और हाथरस की इस घटना को लेकर सियासत बहुत गर्मा चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। विरोधी दल भयमुक्त और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के दावों पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन हाथरस हत्याकांड में जिस मुख्य आरोपी का नाम सामने आया है उसे समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यूपी के मुख्यमंत्री जिस भयमुक्त प्रदेश का उद्घोष करते हैं उसका असर हाथरस में क्यों नहीं दिखता? अपराध मुक्त नारों की आवाज हाथरस में आकर क्यों दब जाती है? सवाल तो उठेंगे और यूपी में बढ़ते अपराध पर सियासत भी गर्माएगी। उत्तर प्रदेश में जंगल राज और गुंडा राज बन गया है। वहाँ पर महिलाओं की, दलितों की, गरीबों की कोई सुरक्षा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत विलंब से बोल रहे हैं, इतनी देर में वो जागे हैं, ये भी अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। उत्तर प्रदेश में खाकी का रोब खत्म हुआ है और यहाँ पे पूरी तरह से जंगल राज चल रहा है। कोई भी कभी भी किसी को भी ठोकता पीटता मारता रहता है। सरकार का थानों पे और पुलिस पर अंकुश नहीं रह गया है। मनमाने ढंग से लोग वहाँ क्राइम कर रहे हैं और जिस प्रदेश में हाँ क्राइम हमेशा रहता था लेकिन इस खुलेआम क्राइम हो, ये सरकार की एकदम विफलता दिखाता है। घटना हाथरस जिले के थाना कोतवाली सासनी क्षेत्र के नोजलपुर गाँव की है। हाथरस की बेटी के साथ छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता को गांव के दबंगों ने खेत में गोलियों से भून दिया। ढाई साल पहले पीड़िता के पिता ने मुख्य आरोपी गौरव के खिलाफ बेटी से छेड़खानी की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी गौरव जेल भी गया था। इसी को लेकर दोनों परिवारों के बीच रंजिश भी चल रही थी। पीड़िता के पिता की हत्या के बाद इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों पर केस भी दर्ज किया। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जाता है जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में परिजनों द्वारा कुछ लोगों को नामजद कर तहरीर दी जा रही है। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब जरा उस आरोपी की कुंडली भी देख लीजिए जिस पर छेड़छाड़ और पीड़िता के पिता की हत्या का आरोप है। घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी गौरव समाजवादी पार्टी का नेता बताया जा रहा है। पोस्टरों में अपना नाम रुद्राक्ष पंडित भी लिखता है। खुद को समाजवादी ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष बताता है। अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। हाथरस में उस बेटी के दर्दनाक अंत की तकलीफ दे यादें अभी जहन से उतरी नहीं, जिसकी लाश को रातों रात उसके घर वालों की मौजूदगी के बगैर जला दिया गया था। अब हाथरस की एक और बेटी इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। और ये मुख्य आरोपी जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जिसका नाम गौरव शर्मा है, ये अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसको पकड़ना तो एक चुनौती है ही उमेश पाठक पुलिस के लिए, लेकिन सवाल यह भी है कि कानून व्यवस्था लगातार यूपी की कटघरे में है और सरकार के तमाम दावों पर उठ रहे हैं सवाल, क्योंकि एक के बाद एक लगातार बड़ी बड़ी वारदातें सामने आ रही। देखिए समीर, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस रंजिश की शुरुआत आज से ढाई साल पहले हुई थी जब ये जो लड़की है उसकी शिकायत पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया था और 15 दिन के लिए जो अभियुक्त है वो जेल भी गया था और जेल से आने के बाद ही लगातार वो दबाव बना रहा था और उसी क्रम में कल भी वो पहुंचा हुआ था और जबरदस्ती कर रहा था कि मुकदमा वापस लिया जाए और मुकदमा वापस न लेने का जब लड़की के पिता ने इनकार कर दिया कि मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा, इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया उसने। मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से खास करके जो सासनी इलाका है वहां पर इस तरह से जो अपराध हैं पहले भी हालांकि होते रहे लेकिन जिस तरीके से इस तरह से बाढ़ आ गई है कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए चिंता का सबब है। और जहां पर अक्सर कानून व्यवस्था न सिर्फ सड़कों पर कानून व्यवस्था को लेकर के सड़क और सदन दोनों जगह पर आप हंगामा देखते होंगे, वहां पर ये जो घटना है इस घटना की गूंज काफी वक्त तक सुनाई पड़ेगी जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि जो मुख्य आरोपी उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये जो घटना है एक कानून व्यवस्था पर एक बड़े सवाल जरूर खड़ा करती है समीर। बिल्कुल, और हम फिर एक बार देख रहे हैं कि गुंडागर्दी जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। ये एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है चुनावों से एन पहले। एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है और बेटी से छेड़खानी की गई और शिकायत करने पर पिता की हत्या कर दी गई, इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? सुनिए मारे गए शख्स की बेटी क्या कह रही है, कैसे अपनी तकलीफ अपना दर्द बयां कर रही है। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। 6-7 लोग थे, मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी,
गोली मारी क्यों? क्या वजह थी? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।